दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं मुझे अनअकैडमी शिक्षा पर। वेलकम बैक टू अनअकैडमी शिक्षा। टॉपर्स इंटरव्यू के एक और जबरदस्त सीरीज में हम आपके बीच आए हुए हैं। हमारे साथ हैं नीतू राणा जी। तो नीतू राणा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस एपिसोड में। थैंक यू सो मच सर। तो चलिए दोस्तों, नीतू राणा आपने अपना समय दिया सबसे पहले तो, और आपके बारे में काफी चर्चा करेंगे। आपके जो क्वालिफिकेशन है, आपके जो आपने जो एग्जाम क्रैक किया है जिससे कि बच्चे बहुत फायदा उठा सकते हैं, उन सभी चीजों के बारे में हम काफी बात करेंगे। लेकिन आपको बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले कि आपने अपना समय निकाला और हमारे इस अनअकैडमी शिक्षा के इंटरव्यू के लिए आप अपना जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसको आप बच्चों के साथ शेयर करेंगे। इसके लिए आपको पूरी हमारी तरफ से और अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज हमारे साथ है नीतू राणा जी, और हालांकि आप में से काफी लोग होंगे जो इनको जानते होंगे, और ये अनअकैडमी की स्टूडेंट भी लास्ट ईयर रही हैं और आई थिंक अभी भी अनअकैडमी से तैयारी कर रही हैं अपने आगे के जो भी इनके मिशन है उनकी। तो नीतू राणा जी हैं मैनपुरी उत्तर प्रदेश से, और इनके अगर सक्सेस की लिस्ट में गिनाऊं तो थोड़ा लंबा होगा। एक्चुअली इन्होंने 6 एग्जाम क्रैक किया है, मतलब कि जब से इन्होंने अपनी बीटीसी क्वालिफाई की है, बीटीसी इन्होंने 2018 में की है, उसके बाद से शायद ये मतलब कोई एग्जाम को छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। तो स्टेट टेट हो या सी टेट हो, बैक टू बैक क्वालिफाई कर रहे हैं। तो मैं आपको एक बार बता देता हूं, और कहीं ना कहीं हमें आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और दोस्तों नीतू राणा जी से हम 2 एपिसोड में बात करेंगे, आज का एपिसोड यानी कि सैटरडे का और कल का यानी कि संडे का। इस दोनों एपिसोड को दिन के 11 बजे आप देखना मत भूलिएगा, क्योंकि दोनों ही एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट बातें नीतू जी हमें बताने वाली हैं। दोस्तों नीतू जी की हम बात करें, इन्होंने सबसे पहले जो दिसंबर 2018 में, बेसिकली इन्होंने 2018 में ही बीटीसी क्वालिफाई किया, और बीटीसी क्वालिफाई करने के तुरंत बाद सीटेट 2018 जो दिसंबर में था, बेसिकली वो जनवरी में एग्जाम हुआ था, उसको इन्होंने क्रैक कर लिया सबसे पहले। तो उसके बाद इन्होंने ये रुके नहीं, उसके बाद ये सीटेट जुलाई 2019 में किया, उसमें भी ये क्रैक किए बहुत बढ़िया नंबर से, 112 नंबर से क्रैक किए। उसके बाद सीटेट 2019 के दिसंबर में इन्होंने पेपर वन क्रैक किया 115 नंबर से, सीटेट 2019 दिसंबर में इन्होंने पेपर टू क्रैक किया 108 नंबर से। अगेन 2019 में ही ये सीटेट के साथ साथ यूपीटेट भी में भी इन्होंने पेपर वन और पेपर टू दोनों ही क्रैक किया 106 और 98 नंबर से। मतलब इनका जो सिलसिला रहा सक्सेस का वो 2018 से अभी तक, मतलब जितने साल नहीं हो गए उनसे ज्यादा इनका सक्सेस रेशियो हो गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये इट्स माय लक, इट्स आई एम लकी टू टेक इंटरव्यू ऑफ नीतू राणा। तो नीतू जी यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें आपसे पूछनी है, नॉट एज अ टीचर बट ऑब्वियसली एज अ इंटरव्यूअर, क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि बच्चे के माइंडसेट में ऐसी क्या चीजें होनी चाहिए। हम लोग तो बच्चे को पढ़ाते हैं लेकिन बच्चे के माइंडसेट कैसे होने चाहिए वो आपको देख के ऑब्जर्व करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं, आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि या तो ईयरफोन लगा के या तो ध्यान से कंसंट्रेट होके बैठ के पूरे इंटरव्यू के एक एक सेकेंड को देखिएगा। तो नीतू जी सबसे पहले जो मेरा आपसे क्वेश्चन है ये है कि आपको टीचर क्यों बनना था, क्यों, मतलब बहुत कुछ है, टीचर क्यों बनना था? जी सर, शुरू से ही था। जैसे मैं गांव में, मेरा जन्म हुआ है गांव में, मैंने सारी चीजें देखी हैं। वहां पर जो टीचर्स आते हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को, वो क्योंकि वहाँ गांव में बच्चे जो पढ़ने आते हैं गवर्नमेंट स्कूल में, सबको पता है कि वो कैसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उन्हें पब्लिक स्कूल में भेज सकें, तो लेकिन उसका गवर्नमेंट टीचर्स वो नहीं, जितनी उन्हें सैलरी मिल रही है वो इस हिसाब से अपना बेस्ट नहीं देने की कोशिश करते हैं बच्चों को। वो बस आते हैं, फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, कोई उन्हें मतलब नहीं होता है। तो बस मैं शुरू से सोच रही थी कि मैं कभी टीचर बनूं तो ये बच्चे हैं मैं उन्हें पढ़ा सकूं, उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है हमारी, क्योंकि उनके फैमिली वाले उन्हें इतना नहीं दे कर सकते हैं, उनके लिए उन्हें नहीं भेज सकते हैं कहीं भी अच्छे स्कूल में पढ़ने के लिए। तो मैं बस यही चाहती थी कि मैं उन बच्चों को पढ़ाऊं जिन्हें जरूरत है, सच में जरूरत है पढ़ने की। जी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मतलब जो हमारी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो भी गैप्स आपको दिखा, उस गैप्स को देखकर आपको ऐसा लगा कि यू शुड कम इनटू दैट, और जो भी चीजें बच्चे को नहीं मिल पा रही है अपने लेवल पे आप उसको बच्चे को प्रोवाइड कराएं जहां तक हो सके। जी ओके, तो आपने 12th कब किया था?
सर 2012 में। ओके तो उसके बाद फिर आप अपनी ग्रेजुएशन भी किया जी ओके तो फिर उसके जी साथ सर साथ आपकी बीटीसी रही ओ, फिर उसके बाद आप बैक टू बैक जी क्रैक किए एग्जाम। तो आप जब सीटेट जी एग्जाम देने के लिए सोचे या जब आपको पता चला कि ये बीटीसी है बीटीसी के बाद सीटेट देना है तो इन सभी चीजों के बीच में मतलब आपको कई कई सारी चीजें क्योंकि आपने भी किसी न किसी से तो सजेशन लिया ही होगा किसी ने कोई ना कोई तो कैसे जी प्रोसेस करना है क्या करना है बोला ही होगा। तो जी क्या क्या चीजें आपको पता चली थी इसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव कि क्या होता है कैसा होता है और जो आपने एक्सपीरियंस किया तो ऐसे कुछ अगर है आपके दिमाग में मेमोरी तो जी हमें बताइए कि लोगों ने आपको क्या कहा था और फिर आपने क्या एक्सपीरियंस किया जिससे कि बच्चे थोड़ा सा अपने रिलेट कर सकें। नीतू जी एक्चुअली सर जो मेरी सिस्टर हैं बड़ी सिस्टर है मुझसे वो भी टीचर ही हैं गवर्नमेंट टीचर हैं तो उन्होंने ही उनके जब जॉब लगी तो फिर काफी अच्छा लगता है कि टीचर हैं बच्चों के लिए कुछ कर रही हैं और उनके स्कूल में काफी सारे बच्चे हैं सबसे अच्छा ये है काफी बच्चे हैं उनके स्कूल में और जरूरत है उन्हें पढ़ने की तो दीदी ने ही मुझे बताया कि अगर तुम्हें पसंद है तुम भी चाहती हो बच्चों को पढ़ाना तो तुम बीटीसी कर सकती हो। मुझे उस टाइम पर नहीं पता था बीटीसी के बारे में मैं बैंक की कोचिंग कर रही थी कानपुर हॉस्टल से तो उन्होंने ओके मुझे बताया कि तुम बीटीसी करो उसमें अच्छा फ्यूचर है और तुम उसके देश के लिए कुछ कर सकती हो। जी तो फिर मैंने वहां से बीटीसी के जब फॉर्म आए तो फिर मैंने फिल किया तो मेरा फिर जब गवर्नमेंट कॉलेज में ही मेरा नंबर आया था तो ट्रेनिंग लेने के बाद ट्रेनिंग कंप्लीट हुई उस टाइम पे मैंने कोई भी टेट नहीं दिया था मुझे इतना ज्यादा पता भी नहीं था और टीचर्स ने बोला भी था लेकिन वो कुछ रूल्स कर दिए गए थे उस टाइम पे कि बीटीसी की कोई मार्कशीट साथ लेके जानी है तो हमारी उस टाइम पे मार्कशीट आई नहीं थी तो फिर मैंने टेट नहीं दिया था उसके जस्ट बाद ही मैंने टेट दिया था बीटीसी खत्म होने के बाद। ओके तो मतलब मेरे लिए तो दीदी ने ही मुझे बताया कि ये करना है और बाकी तो फिर घर में अगर कोई होता है तो फिर इंस्पिरेशन मिलती रहती है। तो सीटेट क्वालिफाई करना या यूपीटेट क्वालिफाई करना चूंकि आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आप यूपीटेट आप एग्जाम लिखे हैं। हमारे जो जी भी बच्चे देख रहे हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं वो अपने स्टेट के एग्जाम को लिखेंगे। तो जी यहाँ पर सीटेट क्वालिफाई करना क्योंकि अभी आप देखिएगा तो सीटेट आपने करीबन 3-4 एग्जाम सीटेट में ही क्वालिफाई कर लिए। सीटेट क्वालिफाई करना या सीटेट जी क्रैक करना अपने आप में बहुत बड़ा बात माना जाता है या बहुत बड़ा हुआ है। लाखों बच्चे बैठते हैं और मतलब काफी चीजें चलती है। आपके हिसाब से सीटेट क्रैक करना एक ग्रेजुएट या एक ट्रेंड बच्चे के लिए कितना मुश्किल है या क्या उसकी जो है तौर तरीका दिमाग में आनी चाहिए क्या सोचना चाहिए उसके बारे में। हाँ मुश्किल तो कोई भी चीज नहीं है अगर हम सोच लेंगे हमें ये करना ही है तो फिर मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। अगर हम उसी के लिए हमने पढ़ाई की है अगर हमने बीटीसी की है और हम कोई भी टेट क्वालिफाइड नहीं कर रहे हैं तो फिर बीटीसी करना बेकार है क्योंकि उसके बिना तो जॉब नहीं मिलनी है। फिर तो सीटेट अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं तो इतना मुश्किल नहीं है बस उसके लिए सही चीजें सही टाइम क्या पढ़ना है वो सारा डिसाइड करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मतलब मोस्टली बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि हमें पढ़ना क्या है इसमें तो वो इतनी सारी बुक्स हैं ये पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं तो वो फिर दिक्कत देता है। तो सबसे पहले तो यही देखना चाहिए कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग ही सारी पढ़ाई करनी चाहिए। और तो सर फिर वही है कि टफ तो अगर हम सोच ही लेंगे सारी चीज अगर हम यही सोचेंगे कि नहीं होगा मेरे से नहीं होगा अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो फिर वो होना ही है। एक एक बार नहीं होगा दो बार नहीं होगा तो एक बार तो कभी ना कभी तो क्रैक होगा। बिल्कुल बिल्कुल तो यहाँ पर नॉर्मली जब इंटरव्यू हम लोग लेते हैं तो पहले हम बच्चे से ये पूछते हैं क्या कि मतलब आप बताइए उनको क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए। मैं आपसे थोड़ा अलग एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ और मेरा प्रश्न ये है कि जी जब बच्चे सीटेट क्वालिफाई करना चाहते हैं मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही या सेकेंड अटेम्प्ट में जो भी बच्चे अभी वीडियो देख रहे हैं अगर वो आने वाले एग्जाम में क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आज से लेके एग्जाम के डेट तक उसे क्या नहीं करना चाहिए थोड़ा ये आप अपने एक्सपीरियंस से मुझे जरूर बताइए हर एंगल से बताइए। फैमिली या यूट्यूब या वीडियो पढ़ाई बुक्स किसी भी चीज में माइंडसेट में एग्जाम हॉल के टाइम पहले थोड़ा विस्तार से बताइए क्योंकि मुझे लगता है कि वन ऑफ द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कोई बच्चा अगर इसको छाट दे तो फिर उसके बाद लाइफ इजी हो जाएगी। जी सर क्या नहीं करना चाहिए बच्चे क्या करते हैं बच्चे आजकल सभी देखते हैं बच्चे आजकल सबसे ज्यादा पीडीएफ नोट्स यहाँ से नोट्स वहां से नोट्स पीडीएफ पूरा मोबाइल फुल होता है पीडीएफ से सिर्फ
बस वो क्या होता है फोन में लेके रख लेते हैं बस, लेकिन पीडीएफ से नहीं पढ़ सकते हैं ऐसे, लेकिन हमें एक दो पॉइंट्स कहीं से क्लियर करने हैं तो वो पीडीएफ से देख सकते हैं, बाकी हम कहेंगे पूरा कॉन्सेप्ट हम पीडीएफ से क्लियर कर लें वो कभी नहीं हो सकता है। तो थ्योरीज तो सारी बुक्स में सेम ही होती है, मतलब 90% तो डेटा सारी बुक्स में सेम होता है, तो हमें ये भी नहीं कि बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक इकट्ठी करें, बस हम एक बेस्ट चूज करें कि कौन सा पब्लिकेशन ठीक है, दो तीन लोगों से एडवाइस लेके कि ये पब्लिकेशन ठीक है वो देखना चाहिए। और उसके बाद बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे जैसे किसी चैनल से हम पढ़ रहे हैं तो बच्चे आधी वीडियो हमने यहाँ से देखी, एक चैनल से देखी, उसके बाद नहीं आज यहाँ नहीं देखेंगे कल दूसरे चैनल पे जाके देखेंगे, तो क्या होता है फिर सेट नहीं हो पाता। आप किसी टीचर से आधे घंटे पढ़ रहे हैं, नहीं है नहीं आप दूसरे से पढ़ेंगे, अब ये समझ नहीं आ रहा आप तीसरे से पढ़ेंगे, तो वो चीजें कभी नहीं समझ में आएंगी। एक टीचर को कम से कम आपको 4 से 5 दिन टाइम देके देखना पड़ेगा कि ये क्या है, आप 30 मिनट में किसी भी टीचर को ऐसे जज नहीं कर सकते हैं कि हाँ मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है या फिर ये सही नहीं पढ़ा रहे हैं। और सारी चीजें मतलब केवल थ्योरीज पे डिपेंड नहीं रह सकती हैं, उससे मतलब 50-50 है कि अगर हम प्रैक्टिस सेट्स उसके साथ करते रहे तो वो बेस्ट है प्रैक्टिस सेट्स, क्योंकि थ्योरीज तो हम बीटीसी से भी पढ़ते हैं, बीटीसी में भी हम 4 सेमेस्टर क्वालिफाई करते हैं तो थ्योरीज तो सारी वही रहती है, तो बस प्रैक्टिस सेट्स ज्यादा से ज्यादा करने चाहिए। और एग्जाम टाइम में एग्जाम हॉल में जाके भी बच्चे क्या करते हैं, कॉलेज के बाहर मैंने देखा, मैंने भी फर्स्ट एग्जाम में किया था कॉलेज के बाहर, बस बुक्स लेके बस हाँ अभी टाइम है अभी आधा घंटा है और पढ़ लें और पढ़ लें, तो फिर वो क्या होता है सारा मैशअप हो जाता है, फिर पता ही नहीं चलता है, फिर पेपर में देखते हैं कि यार ये तो क्या था ये समझ ही नहीं आ रहा, ये भी हमने बाहर देखा था तब इसका आंसर कुछ और था, घर पे देखा था तब कुछ और था, तो वो सारा मैश हो जाता है। तो कम से कम हमें एग्जाम के एक दिन पहले तक तो नहीं, एक दिन पहले ही पढ़ाई बंद कर देनी चाहिए, फिर बस आराम थोड़ा रेस्ट लेना चाहिए, उसके बाद ही एग्जाम में जाना चाहिए, नहीं तो फिर इतना ज्यादा वो फ्रस्ट्रेशन हो जाती है अंदर से तो फिर वो एग्जाम में कंसंट्रेट हो ही नहीं पाता बिल्कुल भी। तो और कुछ भी अगर टेंशन आ रही है दिमाग में कि ये अगर नहीं हुआ एग्जाम क्वालिफाई तो क्या होगा, अगर ये हम सोच रहे हैं तो उससे क्या है, उससे क्वालिफाई तो नहीं होगा एग्जाम, हमारे सोचने से तो वो क्वालिफाई हो नहीं सकता है, ये हम सोच रहे हैं उससे क्या, हम अपना पेपर जो हम दे रहे हैं अगर हम उसका 80% कर रहे हैं तो वो 50% ही रह जाएगा फिर सोचने के चक्कर में, उससे अच्छा है कि हम ये सोचें कि नहीं हमें अपना बेस्ट देना, जो हमें आ रहा है वो हम सारा का सारा करके आएंगे, तो बस पॉजिटिव सोचना चाहिए और तो बस नेगेटिव नहीं लाना चाहिए कुछ भी मन में। ओके, तो ये बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपने बोली, मैं भी बहुत ध्यान से सुन रहा था और मुझे लगता है कि अगर बच्चे ये शुरू कर दें आज से, अभी से शुरू कर दें तो बहुत फायदा होगा उनको। और बच्चे सिस्टमेटिकली देखिए तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग जगह से तैयारी कर रहे हैं, अलग अलग तौर तरीके से तैयारी कर रहे हैं, और इस बीच में जैसे कि आपने प्रैक्टिस सेट के बारे में भी चर्चा की, प्रश्नों को बनाने के बारे में चर्चा की, तो आपने ये भी कहा कि थ्योरी तो बच्चे मतलब बीटीसी में भी पढ़ते हैं और मेन है क्या कि आप प्रैक्टिस सेट प्रैक्टिस करना इम्पोर्टेंट है, तो प्रैक्टिस जब हम करते हैं, जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो क्वेश्चन कभी जान के भी गलती हो जाता है, पता होते भी गलती हो जाता है, कभी नहीं पता होता है, लेकिन मतलब आपको अगर याद होगा मैं अक्सर चर्चा करता हूँ इस बात का, केबीसी में एक सुशील कुमार आए हुए थे अगर आपको याद हो, सुशील कुमार ही नाम था, लास्ट 2-3 क्वेश्चन में वो पूरा रिवर्स अप्रोच अपना रहे थे, मतलब जब वो 5 करोड़ के क्वेश्चन पे गए थे तो वो मतलब ये आया नहीं, ये गया नहीं, ये हुआ नहीं, ये आया, वीडियो देखेगा बड़ा वायरल हुआ था ये वीडियो, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि वहां से मुझे ये ऑब्जर्वेशन हुई कि आपको अगर एक चीज नहीं भी पता है लेकिन बाकी अगर चीजें आपको पता है तो उसके बेसिस पर आप उसको छाड़ तो सकते हैं कि ये नहीं होगा, या जब भी प्रश्न बनाते हैं जरूरी नहीं है कि सबको सब कंसेप्ट पता हो, और हर एग्जाम में कुछ क्वेश्चन ऐसे आते ही हैं जो उस टाइम पे टीचर भी देखेंगे तो टीचर से भी नहीं बनेंगे, टू बी वेरी फ्रैंक बीइंग अ टीचर आई एम स्पीकिंग दैट, ले तो उस समय पे हमारा मोटो क्या होना है, क्योंकि 2 क्वेश्चन नहीं बना हम फ्रस्ट्रेट हो गए, अब आगे क्वेश्चन 2+2=4 भी आया है तो पागल हो गए कि कैसे होगा, तो जब हम क्वेश्चन देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट में ही मान लीजिए हम बना रहे हैं, ऑब्वियसली बिना प्रैक्टिस का कोई निदान नहीं है इस, ये आई ऑल्सो एग्री, लेकिन जब क्वेश्चन हम देख रहे हैं या क्वेश्चन मेरे सामने है तो आपके हिसाब से आपने क्वेश्चन को कैसे बनाया, मतलब किस किस तरीके के प्रॉब्लम फेस किए जिसके कारण से क्वेश्चन गलती हुई और उस पर आपने क्या क्या मतलब अटेम्प्ट लिए या क्या आप बच्चे को सजेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जी।
क्वेश्चंस का सर क्या रहता है, क्वेश्चंस जैसे हमें कोई क्वेश्चन वही है कि नहीं आ रहा है, टीचर्स को भी कभी कभी नहीं आता है एग्जाम में, तो सबसे पहले तो अगर हम एग्जाम दे रहे हैं उस टाइम पर भी सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें क्या आ रहा है, वो पहले अच्छे से उसको कर लें, उसके बाद जो नहीं आ रहा है उसको बाद के लिए रखना चाहिए, क्योंकि उस पर अगर हम अटके रहेंगे तो फिर जो हमें आ रहा है वो भी छूट जाता है फिर हमारे। और प्रैक्टिस सेट करते टाइम, प्रैक्टिस सेट अगर हम कर रहे हैं प्रैक्टिस, तो उसके लिए भी अगर कोई क्वेश्चन हमें ऐसा लग रहा है कि ये थोड़ा नया है या हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है, तो आप एट ए टाइम उसको या गूगल पे सर्च कीजिए या बुक में सर्च कीजिए, जो मैंने किया है वो उसको फिर मैं पहले उसी को क्लियर करती थी, ये क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है तो फिर मैं उसको या बुक में देखती थी या गूगल से कहीं ना कहीं से उसको ढूंढ के उसके बारे में जो भी रहता था वो मैं उसको वही बुक में ही क्वेश्चन के पास साइड में पेंसिल से उसको मैं नोट कर लेती थी कि ये है, या थोड़ा बड़ा है तो फिर उसको स्टिक नोट्स पे लिख के बुक पे लगा दिया या कहीं किसी दूसरी नोटबुक में लिख लिया उसके बारे में, क्योंकि अगर हमने वो स्किप कर दिया या फिर उसी टाइम पे प्रैक्टिस सेट में, तो स्किप करना बेकार है, एग्जाम में हमें स्किप करना चाहिए एट ए टाइम, लेकिन प्रैक्टिस सेट में हमें उसे पहले सॉल्व कर लेना चाहिए, ओके तो उसको तो पहले जी नोट कर लिया जब हम जी बताइए। उसको क्या है, अगर हमने नोट कर लिया तो नोट करने के बाद क्या रहता है कि अगर हम उसको नहीं भी पढ़ते हैं कभी और उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है अगर एग्जाम में, अगर हमने उसको रिवाइज नहीं किया लेकिन फिर भी वो ऑप्शन देख के समझ में आ जाता है कि हाँ मैंने ये कॉन्सेप्ट कहीं पर पढ़ा है, अगर आपने कोई भी क्वेश्चन एक बार कहीं पढ़ा है तो उसको आपको वो जरूर याद रहेगा, आप चाहे उसको रिवाइज करें या ना करें, लेकिन ऑप्शन देख के आपको 50-50 के चांसेस रहते हैं, एक दो ऑप्शन में आपको रहेगा कि हाँ ये नहीं ये, तो मतलब बिल्कुल नहीं आप उसमें फंस सकते हैं, लेकिन हाँ एक दो कुछ ऑप्शंस में कंफ्यूजन रह सकता है, लेकिन बिल्कुल नया नहीं होगा आपके लिए कुछ भी। ओके, तो मान लीजिए कि जैसे कि वही होता है कई बार कि मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट लगता है, या क्वेश्चन पढ़ते हैं ऑप्शन चारों देखते हैं तो लगता है कि ये भी होगा ये भी होगा, कभी चारों करेक्ट लगता है, कभी तीन करेक्ट लगता है, कभी जो 100% करेक्ट लगता है वो 100% रॉन्ग होता है। तो ऐसे सिचुएशन पे मतलब आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं कि क्वेश्चन पढ़ते समय क्या दिमाग में रखना चाहिए, मतलब क्या क्वेश्चन पढ़ने की या ऑप्शन पढ़ने की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? क्वेश्चन मतलब मोस्टली पेडागोजी में ऐसा रहता है कि हमें कभी कभी तो चार ऑप्शन सेम ही लगते हैं, हमें समझ ही नहीं आता है कि ये तो सारे एक जैसे हैं, इसमें कौन सा हो सकता है, और उसमें भी अगर नीचे से उपरोक्त सभी दे दिया गया है तो फिर तो वो तीनों, फिर तो बच्चे देखते ही नहीं, हाँ ठीक है उपरोक्त सभी होगा उसमें फिर, तो उसमें क्या रहता है कि अगर कोई हमें लग रहा है तो पहले तो क्वेश्चन हमें एक बार पढ़ा हमने तब भी हमें नहीं इतना आ रहा है, दो बार पढ़ा, लेकिन आप जब उसको 3 बार या 4 बार आप जैसे क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, एक एक वर्ड को जब आप ध्यान से देखेंगे तो वो ऑटोमेटिक आपको खुद ही उस क्वेश्चन से आंसर निकल आता है कि नहीं इसका उसमें कोई ना कोई ऐसा, सारे क्वेश्चंस में एक कीवर्ड ऐसा दिया होता है जो ऑटोमेटिकली आपको उस राइट ऑप्शन से रिलेट करेगा ही करेगा वो, तो वही है कि आपको बस वो कीवर्ड फाइंड करना है कि क्या इसमें कीवर्ड है, क्या हम उसके लिए ऑप्शन के लिए यूज कर सकते हैं, ऑप्शंस में भी हमें कहीं ना कहीं अगर जो ऑप्शन नहीं है तो उसमें कोई ना कोई निगेटिव वर्ड जरूर ही होगा, बस वही है कि हम एक बार पढ़ा हमने लेकिन उसको ध्यान से नहीं देखते हैं तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप उसे 2 से 3 बार पढ़ेंगे तो फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप ही फिर शो होने लगता है उसमें, तो वही बिल्कुल। है कि कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो उसे 2 से 3 बार पढ़िए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, बहुत अच्छे से समराइज किया, ये मैं भी बच्चों को दोहराना चाहता हूँ। ये जो आपने कीवर्ड वर्ड यूज किया ना, इसको डबल कोट में रखिए, क्योंकि जी हर क्वेश्चन में एक कीवर्ड होता ही होता है। अगर आप उस कीवर्ड के हिसाब से चलेंगे तो एग्जैक्ट उसी रास्ते पे चलेंगे, नहीं तो हमेशा आपको चौराहे पे चारों रास्ते दिखते रहेगा। तो एग्जैक्ट कीवर्ड पकड़ेंगे तो आपको किस वे में जाना है, कौन से ऑप्शन पे वो कीवर्ड मैच हो रहा है, ये आपको पता चलेगा। ये बहुत अच्छी बात आपने बोली नीतू जी। नीतू जी, जैसा कि आपने आपकी जो जर्नी है उसमें जो आपने लास्ट जो 4 एग्जाम क्वालिफाई किया है, CTET 1, CTET 2, UPTET 1, UPTET 2, ये आप अनअकैडमी में पढ़ाई करने के दौरान क्वालिफाई किया है और आपने अनअकैडमी में किया है। अनअकैडमी जी क्यों जी क्यों अनअकैडमी? सर अनअकैडमी मैंने काफी सुना था इसके बारे में, तो मेरे फ्रेंड्स भी एक दो थे वो जो पढ़ते थे अनअकैडमी से, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली क्या हुआ कि BTC खत्म होने के बाद फिर मैं मेरा जो होम टाउन है मतलब मैं गांव में आ गई थी, तो गांव में वहाँ कोचिंग्स वगैरह का कुछ था नहीं कि कहीं बाहर जाके आप पढ़ सकते हैं,
तो फिर कोई ऑप्शन ऐसा ही चाहिए था जो घर पे रह के पढ़ सके, तो उसके लिए शायद अनअकैडमी बेस्ट है। इसीलिए ये कारण ये भी है कि अनअकैडमी पे गर्ल्स ज्यादा संख्या में हैं, क्योंकि कुछ हैं जो बाहर नहीं जा सकती हैं, शादी मैरिड हो गए, मतलब मैरिज हो गई है उनकी, तो वो घर पे रह रही हैं, कोचिंग नहीं जा सकती, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है अनअकैडमी। तो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे बताया, तो पहले तो मैंने स्पेशल क्लासेस अटेंड की, मैंने देखा कि क्या है, उसके बाद सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो मुझे काफी अच्छा लगा। स्पेशल क्लास अटेंड करने के बाद बहुत अच्छा लगा, तो फिर पहले मैंने 3 मंथ का सब्सक्रिप्शन लिया था स्टार्टिंग में, मैंने कहा ट्राई करके देखते हैं कि प्लस पे कैसा क्लास हो रहे हैं जी, तो 3 मंथ्स का लिया था। उसके बाद 3 मंथ्स वाले सब्सक्रिप्शन में ही मैंने सीटेट क्वालिफाइड किया था इतने अच्छे मार्क्स से। वाओ, और आप सबसे ज्यादा तो आपकी क्लास ली थी मैंने, आपको पता है स्टार्टिंग से आपकी क्लास दो दो बार दिखती थी, रिकॉर्डिंग्स दी थी, और जितनी भी एनालाइज क्लास होती थी सारी क्लास। तो उसके बाद फिर मेरा सीटेट उसी में क्वालिफाइड हो गया था 3 मंथ वाले सब्सक्रिप्शन में, लेकिन वो इतना मतलब इफेक्ट रहा उसका मेरे ऊपर। तो फिर उसके बाद मैंने फिर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लिया अनअकैडमी का, वो मेरा अभी भी आप अनअकैडमी पर हैं, 22 में एक्सपायर होगा। अच्छा, मेरा 22 तक सब्सक्रिप्शन है। अच्छा, वाह वाह। तो कहीं ना कहीं नहीं, ये कहीं ना कहीं एक आपका ये एजुकेशन से जुड़े रहने का नेचर भी दिखाता है, हेल्दी एनवायरनमेंट से जुड़े रहने का नेचर भी दिखाता है। तो जैसा आपने बोला कि एक बहुत बहुत ही बड़ी बात बोली कि एक ऐसे माहौल में हम लोग रहते हैं जहाँ पर कि हमारे घर के आसपास सारी सुविधाएं उपलब्ध नहीं रहती है, खास करके अगर हम बच्चियों की बात करें, लड़कियों की बात करें, महिलाओं की बात करें, तो उन लोगों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो घर से निकलें, बाहर जाएं और किसी कोचिंग सेंटर में जाके पढ़ें, और उसमें भी आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हैं हो सकता है वो आपके आसपास मौजूद नहीं हो, या वैसे टीचर आपके आसपास मौजूद नहीं हो। तो ये बहुत बड़ा एक विकल्प है ऑनलाइन माध्यम, और उसमें भी आप अनअकैडमी के बारे में, अनअकैडमी की सबसे बेस्ट चीज आपको क्या लगती है, चूंकि आपने जो पढ़ाई की है तो अनअकैडमी के मॉक टेस्ट तो बेस्ट। मैं उनको एक हफ्ते में 2 बार होते थे, सैटरडे संडे, लेकिन जब तक वो नेक्स्ट होता था, नेक्स्ट सैटरडे संडे को, तब तक मैं उसको 3 बार करती थी, दोबारा से रिवाइज। लेकिन जितनी बार मैंने उसको अटेम्प्ट किया, 3 बार करती थी, तो तीनों बार उसमें कुछ ना कुछ नया मिलता था जो मेरे से मतलब लास्ट टाइम छूट जाता था। मैं जितने बार उसको करती थी कि हाँ इस बार ये नया, ये तो मैंने लास्ट टाइम पढ़ा ही नहीं था, तो इतने अच्छे से क्वेश्चंस और उनका एक्सप्लेनेशन इतना बेस्ट रहता था, तो वो शायद मेरे लिए सबसे अच्छा था। और अनअकैडमी के एजुकेटर ऑब्वियसली उन्हीं की वजह से अनअकैडमी है, एजुकेटर्स की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल, तो बेस्ट एजुकेटर्स, सबसे अच्छा ये है कि इतने एजुकेटर्स हैं, आपको मतलब ये नहीं बोल सकते, जैसे बच्चे बोलते हैं कि नहीं वो सर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं, वो मैम अच्छा नहीं पढ़ा रही हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। अगर कोई एजुकेटर है वो वहां पर है, नहीं वो वहां पर है तो वो सीधा सा है कि अगर वो कोई पढ़ा रहा है तो वो कोई तो बात होगी, अनअकैडमी उन्हें हायर कर रही है या कोई भी प्लेटफॉर्म हायर कर रहा है टीचर को, तो वो कुछ हाँ। तो बस बात ये है कि आपकी ट्यूनिंग मैच कर रही है उस टीचर के साथ या नहीं, वो आपको समझ में नहीं आ रहा है या उनका, बस उसको हम ये नहीं कह सकते कि वो सही नहीं पढ़ा रहे हैं, हमारी ट्यूनिंग किससे मैच करती है वो मैटर करता है। तो इसलिए इतने सारे एजुकेटर हैं, हाँ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे जो भी टीचर हैं यहाँ पर, मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे साथी हैं अनअकैडमी के, टेट कैटेगरी के जितने भी मेरे सहयोगी टीचर्स हैं सारे सब्जेक्ट के, और मैं अगर अगर किसी को नंबर दूं, किसी को कम ज्यादा, तो मैं कभी भी किसी को कम ज्यादा नहीं दे पाऊंगा। मेरे लिए, मैं किन्हीं की क्लासेस देखता हूं तो मैं खुद एज ए टीचर सभी टीचर के क्लासेस से कुछ ना कुछ सीखता हूं। हर टीचर की अपनी स्पेशलिटी है, हर टीचर का अपना तरीका है, अपना जरिया है। आप कहीं पर भी पढ़े, अनअकैडमी छोड़िए, आप कहीं पर भी पढ़े, हर टीचर का अपना एक तरीका है। अनअकैडमी का आपके जो समझ से मुझे लगा कि चलिए आपके पास ऑप्शंस हैं, आपकी ट्यूनिंग जहां मैच कर रही है मैच कर रही है। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाकी टीचर जो है वो उस लेवल के नहीं है या नहीं पढ़ा पा रहे, ऐसा कोई बात नहीं है। तो सब बेस्ट आउट ऑफ द बेस्ट यहाँ पे हैं और लोग कर रहे हैं। खैर चलिए, ये तो मतलब जो अनअकैडमी से बच्चे पढ़ रहे, चाहे यूट्यूब से या अनअकैडमी शिक्षा से, वहां पर आपने एक और बात जोड़ी कि अभ्यास के लिए जो अनअकैडमी मॉक टेस्ट लेती है, वो मतलब आपके लिए एक वरदान साबित हुई। मुझे उम्मीद है कि अभी भी बच्चे लोगों के लिए वो मॉक टेस्ट चली रही है, तो अभी भी बच्चे उससे लाभ उठा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ वो जो एक सिलसिला है आपको अपने आप को चेक करने का, वो एक बेस्ट तरीके से मतलब रनिंग तरीके से यहाँ पर बच्चे कर सकते हैं। तो यहाँ पर या जैसे कि अभी अभी तो ऐसे भी देखिए, लॉकडाउन के कारण या कोरोना के कारण कंप्लीटली ऑनलाइन ही ऑप्शन है हमारे पास,
और मल्टीपल टीचर्स भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो ये चलिए एक अनअकैडमी की बात हुई, लेकिन मोरओवर हमारा जो एजेंडा है आज के डिस्कशन का वो ये है कि बच्चे जो अलग अलग टॉपिक पर तैयारी करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट पे तैयारी करते हैं, अलग अलग तौर तरीके से तैयारी करते हैं, सबका अपना तरीका होता है। जैसे आपने कहा सबकी ट्यूनिंग होती है, किसी की किसी के साथ मैच हुई, तो इसी को बोलते हैं अलग अलग टीचिंग मेथड भी होता है। लोग कोई क्या कहते हैं इस वे में समझते हैं, कोई उस वे में समझते हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं, कोई ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब भी बच्चा पढ़ाई कर रहा होता है तो उन अलग अलग चीजें यूज करते हैं। हालांकि बहुत सारी बातें हैं जो हम अगले एपिसोड में करने वाले हैं, जैसे कि सब्जेक्ट वाइज आपसे मैं जरूर ये जानना चाहूंगा कि हर सब्जेक्ट के लिए बच्चे को क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए। लेकिन इस वीडियो में जाते जाते मैं आपसे एक क्वेश्चन ये करना चाह रहा हूँ कि ओवरऑल बच्चे के पढ़ाई के लिए क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, जैसे प्रीवियस ईयर है या प्रैक्टिस है या थ्योरी है क्लास, मतलब आपके हिसाब से मिनिमम चीज बताइए जिसमें कि आपने बेस्ट किया। क्योंकि देखिए ऐसा है कि लोग अभी क्या है कि पूरा भीड़ लगा लेते हैं, उसके बाद खुद बर्डन होने लगता है, यार ये भी है ये भी है ये भी है, कुछ नहीं कर पा रहे, 15 जगह से टेस्ट सीरीज कर रहे हैं, 15 राइटर का किताब रखे हुए हैं, अनेक प्रकार की चीजें, उसके बाद खुद का माथा भारी है, ये करे कि या करे, मोबाइल में 50,000 PDF है जैसे आपने बोला। तो एक मिनिमम रिक्वायरमेंट बताइए जिससे कि बच्चे अपनी पूरी तैयारी कर लें, या क्या अप्रोच होना चाहिए, स्ट्रेटजी जिसको बोलते हैं, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। जी उसके लिए क्या है सर, सबसे पहले तो हमें सिलेबस देखना चाहिए, सिलेबस को हमें सबसे पहले ध्यान से देख के बस ये देखना चाहिए कि किस बुक में ये सिलेबस कवर हो रहा है। नॉर्मली सारे सब्जेक्ट्स की आप सेपरेटली बुक्स ले सकते हैं, उसके लिए सारे आपको बस सिलेबस देखना है कि इसमें कवर हो रहा है। उसके बाद आपको पहले तो थ्योरी देखनी है कि इसमें थ्योरी पढ़ने के बाद फिर आपको बस उसके प्रैक्टिस सेट सबसे ज्यादा सॉल्व करने हैं। उसके लिए आप अनअकैडमी का मॉक टेस्ट बेस्ट है मेरे ख्याल से, एक दो प्रैक्टिस सेट साथ में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रैक्टिस सेट्स का क्या रहता है कि आजकल आपको ही पता है कि मोस्टली में इतनी ज्यादा मिसप्रिंट्स रहती है प्रैक्टिस सेट्स में, तो बच्चे खुद ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये मतलब फिर वो इधर पूछते हैं कि इसमें ये दे रखा है सर, ये प्रॉब्लम है ये। लेकिन अनअकैडमी और मॉक टेस्ट में मैंने मतलब बहुत कम गलती की बहुत कम गुंजाइश होती है कि बहुत कम आंसर्स ऐसे होते हैं जो गलत अच्छा तरीका हो सकता है। तो फिर किसी जी तो फिर बस वही है कि हमको सिर्फ सब्जेक्ट वो सॉरी सिलेबस देखे, बस प्रैक्टिस सेट्स आपको करने हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है, कौन से पब्लिकेशन का आपको पसंद आ रहा है, या फिर आपको मॉक टेस्ट ज्यादा बेस्ट लग रहा है। वैसे मेरे लिए तो मॉक टेस्ट ही बेस्ट था। फिर बच्चे के ऊपर है कि उसको क्या पसंद आ रहा है, उसको उसे किसमें इंटरेस्ट है, तो वो देख सकता है। लेकिन बस वही है कि आप एक बार प्रीवियस ईयर देखिए किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। प्रीवियस ईयर सर वो भी प्रैक्टिस सेट के साथ वो भी 50-50 इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें पता ही नहीं होगा क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं, घुमाते कैसे हैं क्वेश्चन को, वो तो नहीं उसको कभी सॉल्व नहीं कर सकते ऐसे, क्योंकि थ्योरी हमने पढ़ ली है डायरेक्टली तो कोई क्वेश्चन नहीं देता है। बस हमें ये देखना है कि वो कैसे ट्विस्ट करते हैं क्वेश्चन को, कहाँ से घुमा दिया, कैसे क्या उन्होंने उसमें क्या कॉन्सेप्ट लगाया है, वो सारा एक बार देखना आपको मतलब प्रैक्टिस सेट के साथ साथ आपको प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही रहते हैं ना, सिलेबस वो कहाँ चेंज करके, बस एक अगर टॉपिक है तो उसमें से कितने बार वही क्वेश्चन बनाएंगे ना, घुमा फिरा के वही क्वेश्चन बस वो है कि इतना ज्यादा घुमा देते हैं तो बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो अगर प्रीवियस ईयर भी हमें इतने ध्यान से देखने चाहिए तब भी बहुत उससे भी बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। जी जी ओके ओके तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट और जो सब्जेक्ट के ऐसे थ्योरी बुक जो कि आपके सिलेबस को, मैंने एक चीज नोटिस किया आपने स्टार्टिंग से एक दो दो तीन बार एक बात बोली कि सिलेबस को आप पहले देखिए, क्योंकि ये चीज मैंने भी गौर किया है कि बच्चे को पता ही नहीं है कि सिलेबस में क्या है, कुछ चीज में पढ़े जा रहे हैं, कहाँ कहाँ तक पढ़े जा रहे हैं वो पता चला वो एग्जाम में है ही नहीं, तो उसको देख के आप रहिए, तो इससे कहीं ना कहीं लाइव आपको पता भी चलता रहेगा कि हाँ आप कहाँ पे हैं, कितना चीज छूटा हुआ है। तो ये चीज तो बिल्कुल बढ़िया बात है। और हर एक पॉइंट दोस्तों आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि नीतू जी कितनी बारीकी से एक छोटी छोटी बातों को बता रही है आपको कि क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे सोच रखना चाहिए, कैसे सोचना चाहिए, और भी चीजें हैं। तो इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में हैं, लेकिन समय यहाँ पर जो है हमारा आज के वीडियो का ये खत्म हो रहा है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे कि पैडागोजी वाले सेक्शंस की चर्चा नीतू जी ने की थी, तो पैडागोजी के लिए हमारा माइंडसेट कैसा होना चाहिए इस पर हम बात करेंगे, हर सब्जेक्ट की हम तैयारी कैसे करें इस पर बात करेंगे, और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो ये दोनों ही एपिसोड आप पूरा देखिएगा, हम बने रहेंगे नीतू जी के साथ अगले एपिसोड में। नीतू जी आज के एपिसोड में आने के लिए आपको एक बार फिर से हमारी तरफ से और अनअकैडमी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर।
जी, तो दोस्तों हम मिलेंगे आपसे कल के एपिसोड में एक बार फिर से। तब तक के लिए दीजिए मुझे मुझे अपने दोस्त दीपक को इजाजत। अपने माता पिता का सम्मान करें, बड़े बुजुर्गों का ख्याल रखें, सबों के साथ प्यार बांटें। मिलते हैं, बाय बाय, जय हिंद।